बिगबास्केट जैसी कंपनियां अपना माल डिलीवरी करने के लिए विभिन्न निजी कंपनियों से सेवा लेती है। इन कंपनियों ने अपने डिलीवरी बॉय को इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देना चाहिए, इसलिए सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, मगर यह कंपनियां किसी भी डिलीवरी बॉय को यह सुविधा नहीं देता है। ऐसा ही एक मामला बिग बास्केट के आनंदी एजेंसी में सामने आया है, जिस पर जनता फाउंडेशन ने आवाज उठाया है। बिग बास्केट जैसे विभिन्न कंपनियों को डिलीवरी बॉय की सेवा देने का काम आनंदी एजेंसी करती है। यह एजेंसी थर्ड पार्टी काम करती है। कंपनी का काम है कि जो भी कर्मचारी सेवा दे रहा है उसे सरकार ने दिए हुए दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्मचारी सुविधा और इंश्योरेंस देना है, मगर कंपनी पैसे बचाने के लिए यह सुविधा नहीं दे रही है। ऐसा आरोप जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आनंदी एजेंसी में सेवा देने वाले टेका निवासी हुजैफा जैदी के मौत के लिए जिम्मेदार कौन है और उनकी मौत के बाद उनके परिवार को इंश्योरेंस की सुविधा कौन देगा। जानकारी मिली है कि जनता फाउंडेशन ने आवाज उठाने के बाद आनंदी कंपनी के कर्मचारियों के इंश्योरेंस निकालने के लिए कदम उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं काजी जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। अभी हम नागपुर के बीबी नाव के ऑफिस के सामने में खड़े हुए हैं। हुजैफा जैदी नाम का एक एम्प्लॉई जो कि आनंदी एजेंसी इसके थ्रू बिग बास्केट के बीबी नाव में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था, जिसकी बीबी नाव की डिलीवरी करते वक्त ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो गई। एक्सीडेंट के बाद पहले उस बच्चे का एलेक्सिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया, एक्सीडेंट के कारण वो लड़के की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद से ये उनकी फैमिली है, ये लड़के को डेथ इंश्योरेंस के इंसाफ के लिए दर दर भटकते जा रही है। हमारा बोलना ये है कि जब डिलीवरी बॉय है तो उसका डेथ इंश्योरेंस रहना चाहिए। अगर डिलीवरी करते वक्त ये बीबी नाव वाले 15 मिनट से 30 मिनट का डिलीवरी बॉयज़ को अल्टीमेटम एक टाइम देते हैं कि इतने समय में आपने डिलीवरी कर देना चाहिए, जब तुम इस लाइक का प्रेशर डेवलप करके रखते हो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर में, आपकी डिलीवरी करते समय अगर 15 से 30 मिनट का टारगेट लेकर के कोई एम्प्लॉय जा रहा है गाड़ी से, उसका एक्सीडेंट होता है ऑन डिलीवरी और डेथ हो जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदारी कंपनी की क्या है? डेथ इंश्योरेंस आज 24 साल का, कितनी उम्र थी हुजैफा की? 24 साल का मात्र वो लड़का था। सिर्फ डेढ़ या दो साल उसकी शादी को हो रहा है, उसकी जवान बीवी बेवा हो गई, उसके घर वाले दर दर भटक रहे। उनके लिए डेथ इंश्योरेंस अगर ये कंपनी बना के रखती है, जो वेंडर है वो बना के रखा रहता, तो आज उनकी लाइफ सेट हो जाती थी। हमारा बोलना ये सब ये बीबी नाव में काम करने वाले लड़के है, आनंदी एजेंसी में कोई अमोल तिड़के है जिसके ऑफिस में गया, वो ऑफिस पर मुलाकात थी नहीं, बोले मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, ऑफिस से भाग गए या ऑफिस में थे नहीं, वो हमको नहीं पता। मेरी उनके स्टाफ ने, मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, उनके स्टाफ ने उनसे बात कराया, रिकॉर्डिंग में आप साफ देख सकते हो कि वो आनंदी एजेंसी वाला अमोल तिड़के हमको बोलता है कि वो भैया डेथ हो गई। जब मेरा बोलना पड़ा कि बीबी नाव से तुम्हारा क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखित में दो, तो उनका बोलना कि वो मैं लिख करके नहीं दे सकता, आप रिकॉर्डिंग में साफ सुन सकते, यदि तुम चोर वाली हरकतें नहीं कर रहे हो तो तुमको टर्म्स एंड कंडीशन लिख कर देने में डर क्यों लग रहा है। आखिरी में मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया कि भैया मैं जिशान सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, जनता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट, तुम ये जो किसी की मौत पे तमाशा बना रहे हो तो अब मैं अपने हिसाब से देखूंगा आपके साथ क्या कार्रवाई करी जाना चाहिए कानूनी तौर पर। तब वो बंदा, ये लड़के यहाँ के कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि उसके बाद से डॉक्यूमेंट बुलाना इन्होंने स्टार्ट किया है बाकी लड़कों का डेथ इंश्योरेंस बनाने के लिए। तो ये जब इनकी हरकतें अगर जेन्यून थी तो मेरे बोलने के बाद में ही, या मैंने इनको जो कार्रवाई करने की बात करा उसके बाद में ये डेथ इंश्योरेंस बनाना क्यों स्टार्ट कर रही है? तो खैर इसके तो तय तक के मैं जाऊंगा, इनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज क्या है पूरी माहिती में हम लोग निकालेंगे। बीबी नाव को, बिग बास्केट को इतना बड़ा ब्रांड है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो वेंडर को टेंडर देते हो ये जान से खिलवाड़ हो रहा है यार लोगों की, तो आप लोगों ने ऐसे वेंडर्स का अपना बॉन्ड रद्द करना चाहिए, ऐसे वेंडर्स के ऊपर में कंपल्शन रहना चाहिए डेथ इंश्योरेंस बनाने के लिए। चाहे स्विगी रहे चाहे जोमेटो रहे, 31 करोड़ रुपए बोलते हैं इंश्योरेंस के कवर किया है स्विगी ने, 3 लाख के ऊपर उनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं। तो बिग बास्केट भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ पर पे ये लोगों के लिए क्यों कोई सुविधा नहीं दी जा रही है? इसके तय तक मैं जाऊँगा। एक बात और बोलूँगा, अगर ये गरीब लोगों की मौत से आप खिलवाड़ करोगे, इनके हक को छीनते जाओगे,
हम कोई कानून तोड़ने वाले लोग नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही आपका मैं काम करना आराम कर दूंगा। मेरा नाम जीशान सिद्दीकी, आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखिए जो भी ऐसे वेंडर्स है। ये सिर्फ बीबी नाव के नहीं, कई जगह पे ऐसा चल रहा है, लोगों के ESIC नहीं बनाए जा रहे हैं, लोगों के PF नहीं काटे जा रहे हैं, डेथ इंश्योरेंस जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता है। कर्मचारी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी सेवा देते हैं, ऐसे में जो भी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं उन्होंने सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर कर्मचारियों को सुविधा देना चाहिए। इस घटना में हुसैन जैदी के मौत के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में है। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं शिफ्ट इंचार्ज हूँ जटभटका स्टोर का, और जो भी वेंडर के थ्रू काम कर रहे हैं वो वेंडर्स जो तीन मतलब अलग अलग एजेंसीज है वो सभी जो वेंडर लड़के भेजते हैं, मेरा उनको यही बोलना है कि पूरा वेरिफिकेशन पूरा पॉलिसी के हिसाब से ही उनको भेजे और उनका सब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ इंश्योरेंस निकाल के ही भेजे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे इन फ्यूचर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं सर, देखिए कैसा है प्रॉब्लम कि अभी ये जो स्टोर है ये अलग टाइप के स्टोर है, इसके पहले जो स्टोर्स है उसमें इंश्योरेंस है एम्प्लॉयज़ का, और ये जो है अलग है, ये वेंडर थ्रू है, इनको नहीं हुआ है अभी। नहीं वो अलग न्यू ब्रांच हाँ, तो ये अलग है, ये पार्सल डिलीवरी वाला है, तो इसमें 40 रुपये पार्सल मिलता है और इस उसके अनुसार काम होता है, तो इनको ESIC लागू है। रहा पॉलिसी का, ये जो जैसा बोल रहे कि इनको पता नहीं है तो वो डिटेल इनको मिल जाएंगी। मैंने क्या इनको डॉक्यूमेंट दिया है, क्या इनसे डॉक्यूमेंट लिया है वो हमको भी प्रॉपर नहीं पता। हमको सिर्फ ये पता रहता है कि भैया ये बंदा ये एजेंसी का है और ये यहाँ पे आके काम कर रहा है, इतने इतने देर काम करेगा, ये जो भी है जैसा भी, हमको नहीं भेजते ना वो अब वो पूरा पॉलिसी अपना नहीं बता सकता ना, वो हमको भी पूरी पॉलिसी नहीं। आपने हाँ, उसको अगर दे दिए हाँ, आपने उसको ऐसे ही दे दिए क्या टेंडर कि आपका हाँ, तो वो उसके लिए सर चीजें लीगली प्रोवाइड करना, उसके लिए आपको ऊपर बात करना पड़ेगा सर, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने आपको लावा डीसी में मैनेजर्स बैठते हैं हमारे, उधर बात करना पड़ेगा सर। इनको डॉक्यूमेंट मिलता है ना कंपनी के, वेंडर का नहीं मालूम मेरे को, मेरी कंपनी का मालूम है, लेटर हेड मिलता है और पूरी पॉलिसीज के पेपर मिलते हैं, वो मिलते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश रंकलवार, BCN न्यूज़ नागपुर।